द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, यानी कि एक चित्रकार था ये फ्रेडरिक सायो, 1848 में उसने एक ड्रीम पिक्चर बनाई थी। ये ड्रीम पिक्चर है जिसमें वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स कंट्रीज, दो देश होते हैं जो लोकतांत्रिक और सामाजिक व्यवस्था में अग्रणी देश हैं, उसमें उन देशों के झंडों वाले ये लोग हैं जो एक प्रोसेशन में शामिल हैं, और स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये इंडिपेंडेंस और लोकतंत्र या आज़ादी का प्रतीक ये बुत है, इसके पास से जो आगे ऐसे जा रहे हैं, उसके उसमें अलग अलग ये देशों के झंडे हैं, तो उसका प्रतीक ये एक चित्र बनाया गया है, ऐसे करके ऐसे ऐसे बहुत लंबी लाइन है जो आगे जा रहे हैं। और जो हमारे धार्मिक संत हैं जैसे ईसा मसीह जी हैं और दूसरे जो स्वर्ग से जो लोग हैं वो उनको ऐसे देख रहे हैं, उसके बारे में उसने नेशनलिज्म जो था यूरोप में और दूसरे देशों में उनके प्रतीक के रूप में ये अलग अलग देशों के झंडे दिख रहे हैं, उसके बारे में एक प्रतीकात्मक रूप से उसने ये चित्र बनाया था, यानी ऐसा चित्र जिसके बारे में हमें कहा जाता है कि इन व्हाट वे डू यू थिंक द दिस फ्रंट प्रिंट डिपिक्ट्स ए यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन का मतलब होता है ए विजन ऑफ सोसाइटी, ऐसे समाज का चित्रण करती हुई यह चित्र है जहाँ जो बहुत आइडियल होता है और अनलाइकली टू एक्चुअली हैपन, यानी कि वो एक्चुअली होता नहीं है। तो इसमें एक और वर्ड है एब्सोल्यूटिस्ट, लिटरली ए गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंस ऑन द पावर एक्सरसाइज, यानी कि जैसी मर्जी पावर वो हासिल करके उसको लोगों को काबू में लाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पर कोई भी किसी किस्म का उनके ऊपर कोई अंकुश नहीं होता और कोई उनको रोकता नहीं है। तो ऐसा शासन जो एक राजा के द्वारा या एक निरंकुश शासक के द्वारा होता है उसको हम एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं, उनकी पावर जो है वो अपने आप उनको हासिल होती है, जैसे राजा के बेटे को राजा का राज्य मिलता है। इन हिस्ट्री द रिटर्न रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव, ऐसे राज्य की कल्पना के बारे में बताया गया है कि जो राजा के पास होती थी और ऐसी गवर्नमेंट जो जिसके हाथ में मिलिट्री और लोगों को दबाने की पूरी पावर होती थी। तो ये चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इन 1848 फ्रेडरिक सारियो ए फ्रेंच आर्टिस्ट प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ फोर प्रिंट्स विजुलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम, ऐसे लोकतांत्रिक देशों के बारे में सपने का उसने एक दुनिया का चित्र ऐसा बनाया था जैसा कि उसने इसको कहा है। द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, उसमें अमेरिका के और यूरोप के लोग वहाँ दिख रहे हैं, मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, अलग अलग वर्गों के और समाज के और अलग अलग आयु के वर्ग के लोग वहाँ पर हैं, मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, वो एक लंबी ट्रेन बना के उसमें चल रहे हैं, एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, और वो जो आज़ादी की एक बुत है उसको वो अपना श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, उसको सल्यूट कर रहे हैं। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन परसोनिफाइड लिबर्टी एज ए फीमेल फिगर, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में जो आज़ादी थी उसको उन्होंने एक स्त्री की रूप में चित्रित किया जिसको हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के रूप में जानते हैं। हैज़ हेयर यू कैन रिकोगनाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट शी बियर्स इन वन हैंड, यहाँ पर जो आज़ादी का बुत है जो लिबर्टी की स्टैचू है उसके एक हाथ में हम एक जलती हुई टॉर्च देखते हैं, मशाल देखते हैं, एंड द चार्टर ऑफ द राइट्स ऑफ मैन
इन द अदर, उसके दूसरे हाथ में एक व्यक्ति के मौलिक जो उसके अधिकार हैं उसको चित्रित करता हुआ एक चार्टर हाथ में उसके है। ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स ऑफ सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। और धरती के ऊपर यहाँ पर जो राजाओं के राज्य जो थे उनकी ऐसी मतलब चित्र किया गया है कि वो ढह चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट्स जो थीं वो ख़त्म हो चुकी थीं। इन द सर न्यूज यूटोपियन विजन द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस, अलग अलग देशों के लोग वहाँ पर चित्रित किए गए हैं। आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स, वो अपने अपने देश के झंडे के रूप में वहाँ चित्रित किए गए हैं। एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स लीडिंग द प्रोसेशंस वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से निकल रहे हैं वो वहाँ पर हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हैं, स्विट्जरलैंड हैं, विच बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स, उस समय तक ये वाले जो देश थे वो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक देश बन चुके थे। फ्रांस उसको आइडेंटिफाई किया है बाई द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू, शी इज़ फॉलोड बाई पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, वहाँ पर जर्मनी का झंडा है जिसमें काला सुनहरी काला लाल और सुनहरी झंडे के ट्राइकलर हैं। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोरियो क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज ए यूनाइटेड नेशंस, जर्मनी के बारे में जो उसने दिखाया है उस समय तक वो लोकतांत्रिक देश नहीं बना था। द फ्लैग दैट कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 और टू यूनिफाई द नंबरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ इन टू नेशन स्टेट ऑर्डर और ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यानी उसका ये ख्याल है या उसकी ये राय है कि ऐसे जो जर्मनी बोलने वाले सभी देश जो हैं वो एक समय पे जाके प्रिंसिपली इकट्ठे हो जाएंगे, नेशन स्टेट बन जाएंगे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उनका हो जाएगा। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, वहाँ पर ऑस्ट्रिया के लोग हैं। द किंगडम ऑफ टू सिसलीज लैम्बार्डली पोलैंड इंग्लैंड आयरलैंड हंगरी एंड रशिया, वहाँ पर ये सभी देशों के झंडे हैं। फ्रॉम द हेवन्स अबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, इन पर ऊपर से स्वर्ग से क्राइस्ट हैं जहाँ बहुत सारे संत हैं, बहुत सारे देवता हैं वो उनको देख रहे हैं। दे हैव बीन यूज बाई द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस, ये सब उसने पेंटर ने इन लोगों का आपस में मानवता का संबंध बताने के लिए दिखाया है। तो ये आपको इसके बारे में चित्र का मैंने वर्णन किया है। ये चैप्टर है आपका हिस्ट्री का, फर्स्ट चैप्टर है।